मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं, उन सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। जैसे एस्ट्राजेनेका अमेरिका को जिस कीमत पर वैक्सीन दे रही है, वैसी कीमत भारत में क्यों नहीं है? इससे और आगे बढ़कर के 18 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हमने बढ़ चढ़कर ऐलान तो कर दिया, लेकिन बढ़ चढ़कर तैयारियां नहीं हैं। मध्य प्रदेश नहीं तैयार है, राजस्थान नहीं तैयार है, बाकी तमाम राज्य नहीं तैयार हैं। तो हमने फिर ये कहा क्यों, जब हमारी तैयारी पूरी नहीं थी? आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं चाहती हूँ रागिनी भी एक बार अपनी बात कह दे, और उसके बाद हम इस बहस में आगे बढ़ते हैं। रागिनी, दोस्त एक मेरा दोस्त नहीं रहा। करना चाह नहीं रही थी, पर मुझे मुझे लगा कि रोहित सरदाना जी के निधन के संदर्भ में दो तीन बातें कहनी बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि आप और मैं बहुत सालों से न सिर्फ उनके परिचित थे बल्कि दोस्त भी थे। मैं 15 साल से रोहित जी को जानती थी, कभी भी उनके साथ मेरे विचार नहीं मिले। भेद हमेशा रहा पर मनभेद कभी नहीं हुआ। मैं और वो, हम भी वी आर मैंगो लवर्स, मतलब हमने कई मैंगो पार्टीज में भी साथ में बहुत बैठकर आम खाए हैं। और कई बार चर्चा हो जाती थी, बेड पर बड़ी तीखी बहस होती थी, लेकिन पीछे से हम लोग बात करते थे कि एक समाधान क्या किसी समस्या का निकल सकता है। कल भी, मतलब मैं जब एम्स में थी पिछले साल, मैं 15-20 दिन अस्पताल में रही, हर दूसरे तीसरे दिन वो मेरा हाल जानते थे। और कल भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि रात को 11:15 बजे तक मैं और रोहित सरदाना, हम लोग व्हाट्सएप पे प्लाज्मा डोनेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर हम बात कर रहे थे। और उसी के बीच में उन्होंने बताया कि 3-4 दिन से जो बुखार आ रहा था वो कम हो गया है, लेकिन चेस्ट कंजेशन उनका बढ़ता जा रहा है। और आज सुबह ये पता चला कि उनका देहांत हो गया। सच्चा परिवार है उनका, दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, और आप और मैं समझ सकते हैं कि उनके परिवार को कितनी पीड़ा होगी। पर उससे भी बड़ी बात रुबिका, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की पीड़ा को समझना, दूसरे के हित के लिए काम करना सबसे बड़ा धर्म है। और आज वही पीड़ा वही कष्ट हमारे देश के लाखों परिवारों है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जीते जी नरक भोग रहे हैं। आपने कतार की बात की, शमशान के बाहर, लगता है ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि शमशान के बाहर इतनी लंबी कतार है कि अंदर जाने के लिए टोकन लेना पड़ रहा है, सिफारिश की जरूरत है। दिल्ली में आप मानेंगे रूबिका, कुत्तों का शमशान घाट जो है वहां पर इंसान जलाए जा रहे हैं। कोई पेट्रोल छिड़क के जलाया जाता है, कभी ये पता नहीं चलता किसकी लाश को कौन मुखाग्नि दे रहा है। मतलब हिंदू धर्म में एक जो अंतिम विदाई का सम्मान होता था, आज आज इंसान के पास वो सम्मान नहीं है, इंसान इंसान की तरह देखा जा रहा। और दुख की बात यह है रूबिका कि सरकार के लिए ये सिर्फ आंकड़ा बनकर रह गए जीते जागते लोग। 50 लोग ज्यादा मरे, आज 100 लोग ज्यादा संक्रमित हुए। वो हर आदमी जो मर रहा है जिसे पता नहीं है कि अगले 2 मिनट बाद उसकी शायद सांस रुक जाए, वो एक जीता जाता आदमी है रूबिका। उसका परिवार का अगर कोई पिता चला जाता है, माँ चली जाती है, कोई कमाऊ पूत प्यारी बेटी चली जाती है, पूरा परिवार बिखर जाता है। और ये मतलब आप कोई सफाई देंगे, सफाई नहीं जगह सफाई होगी इन लोगों की, मैं कहना चाहती हूँ। और तैयारी नहीं थी, 1 साल मिला तैयारी के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि वैक्सीन को लेकर, दवाई को लेकर, लॉकडाउन स्ट्रैटेजी को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर राष्ट्रीय नीति नहीं है अपने देश में। आज जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि अस्पताल में एडमिशन को लेकर हमारी राष्ट्रीय नीति नहीं है। लोकल अस्पताल कह के आप आधार कार्ड लेकर आओ तब एडमिट किया जाएगा कि आप इसी क्षेत्र के हो कि नहीं हो, ये हमारे देश में हो रहा है। वैक्सीन आपने दिखाया, वैक्सीन के लिए लंबी लंबी कतारें हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि 15 तारीख तक हम केवल केंद्र सरकार को वैक्सीन दे सकते हैं, राज्यों को देने की परिस्थिति में नहीं है। महाराष्ट्र भी वही कह रहा है, राजस्थान भी वही कह रहा है, मध्य प्रदेश भी वही कह रहा है। तो आप मीटिंग कर रहे हैं, आप हाई लेवल, जब 2.25 लाख लोग संक्रमित हो जाते हैं तो पहली हाई लेवल मीटिंग होती है, अब तक 23-33 चुनावी रैलियां हो चुकी होती है। मतलब मुझे तो, मैं ये कहना चाहती हूँ रूबिका, और आप चाहे तो आप कहें कि मैं राजनीति कर रही हूँ, मैं कहूंगी कि हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, उस पे बस इतना लिखना कि लानत है, लानत है कि देश के लोग ऐसे मर रहे हैं, अब इतने लाचार है, असहाय है, कुछ कर नहीं सकते। 100 फोन आती है तो 2-3 लोगों से ज्यादा की मदद नहीं होती, जब तक खबरा दिलाओ फिर दिलाओ मर जाते। नहीं रागिनी, मैं नहीं कहूंगी कि आज राजनीति कर रही हैं आप, मैं नहीं कहूंगी। और मुझे यकीन है आज संबित पात्रा भी ये नहीं कहेंगे। इस स्थिति के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।